देखो मैं आपसे पहला सवाल, आपने बोला टिकट कटी, प्रजातंत्र में टिकट कटती रहती है और मिलती रहती है। कई लोगों ने मुझे यहाँ तक अभी दिल की एडवांस अभी कट गई, मुरली मनोज जोशी जी की कट गई, जो भी है, और अपने अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन कट गई। अब ठीक है, कोई कटी नहीं है, उनके अपने हिसाब से हुआ है, परंतु मैं एक अभी 75 साल का हुआ नहीं, और मैं पिछले 5 साल से जब बीजेपी में आया तब से मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जब 3 बार पहले कांग्रेस का था तभी मैंने ईमानदारी का मतलब यहाँ रहना, और बाड़मेर जैसलमेर जो एक सीमांत जिला है उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको उसका निवारण करना, चाहे सड़क की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, या कभी कभी क्या होता है कि पुलिस है या प्रशासन का काम ठीक नहीं करता है, उनको हक नहीं दिलाते हैं, लोग कोर्ट में जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते कलेक्टर साहब के पास में, SDO के साहब में, SP साहब के पास, तो मैं बहुत सक्रिय रहा। मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस में मुझे पता था कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, मैं भी भाषण में बता दिया, उसको वापस दोहरा हो गया नहीं, तो मैं कोई जादूगर तो नहीं था, न मैं कोई क्या भविष्यवक्ता नहीं था, पर 2008 से शुरू हुई थी 12-13 में, तो मुझे इन मैंने कहा इधर आ जाओ मेरी वसुंधरा जी से, पहले भी हम दो बार सांसद रहे, 2-3 बार वहाँ मंत्री रही, हालांकि मैं अलग पार्टी में कांग्रेस में था, तो उन्होंने कहा कि कल से हमारे साथ आ जाओ। मैं तो विधानसभा के टाइम आना चाहता था पर उस टाइम मैं नहीं आया, और उसके बाद में मैंने देखा तो फिर टिकट चली। मैंने कैसे करो, मैंने मजस्वर सिंह जी मांग रहे हैं, और जब नहीं कि वो तो आप वो हमारा लुकआउट है किसको दें, टिकट मिल मेरे को, और मैं जसवंत सिंह के सामने लड़े, दूसरे हरीश थे, बड़ा अच्छा 5 साल मतलब बहुत होना हुआ। मैंने हमेशा जसवंत सिंह जी की तारीफ की, वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, हालांकि मेजर हैं, पर उन्होंने जल्दी छोड़ दी थी तो मेजर रह गए, मैंने थोड़ा बाद में छोड़ी तो मैं कर्नल बन गया, चलो हो गया। 5 साल काम करने के बाद में जब बारी आई तो उसमें मेरे लाचन लग लगे, और उसमें सबसे बड़ा जो था कि तो आप MLA हार गए, ठीक है हार गया, अब मैं कैसे हारा हूँ आप सबको पता है। यहाँ का अध्यक्ष जहाँ वार्ड में पीछे रहा, यहाँ का सारा संगठन, मैं डरता नहीं हूँ उनसे, मैं अगर मदनलाल सैनी होता या चंद्रशेखर जी होते या फिर जो दूसरे यहाँ के जिम्मेवार होते, इनको सबको बिल्कुल एक तरफ हटाना चाहिए। मैं 5 लोकसभा चुनाव लड़ा, 5ों में आप अगर देखो और देखो, मैं 1000-2000 आके पीछे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बाड़मेर बाड़मेर नहीं बाड़मेर शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ अभी 65,000 वोट थे पहले, इस टाइम मुझे करीब 10,000 मिले, कुल 45,000 पड़े, उसको 32-33,000-22,000 से पीछे रहा मैं, जबकि 5 बार मैं कभी शहर में नगर पालिका में कभी 1-2 हज़ार पीछे, 22,000 का फर्क। वहाँ गलत मेरे पे लगाया गया, जाट पाल फैलाता है, ये करता है, दूसरी जातों का नहीं है, अब उसके कई वजह मैं जानूँ, वो करने वाले जिन्होंने मुझे हराया वो ही आगे पैरवी की थे यहाँ दिल्ली और जयपुर में। मुझे पता है व्यक्तिगत किसी उम्मीदवार को लेके गए यहाँ के, उन्होंने कहा भी वहाँ MP कलन चौधरी भी है, आप डोंट पार्टी, अगर 4 उम्मीदवार है, 1 उम्मीदवार को मैं अगर अध्यक्ष हूँ लेके घूमता हूँ तो इसके मेरी नीयत में खोट है, भी सबकी सुनो आप, चलो तो उसे करके ये कामयाब हो गए। बीच में मेरी कट गई थी, फिर दोबारा सर्वे मंगाए, सर्वे में मैं सबसे ऊपर था, उसमें महेंद्र सिंह जी की भी बारी थी, एक बार वो आपके थे, वो रंजित के पवार भी आए, अपने संगाराम जी बहुत अपने यहाँ के वरिष्ठ और तमिलनाडु में बहुत DG रैंक के हैं, उनका भी आया, चलो चला। जहाँ तक इस उम्मीदवार की मैंने अभिभाषण में कहा, मैंने कहा भैया तू छोटा है बाद में आ जाएगा, तो मैं उम्मीदवार हुई नहीं, पर नीचे इसने काम किया, मेरी खिलाफत की 3 महीने रह गए, 3 महीने में उसका रिकॉर्ड देखो, 2 महीने वहाँ रहा, इस चालाकी करके, चलो वो चालाकी उम्मीदवार हर एक टिकट लेने की कोशिश करता है, पर वो जो फैसला करने वाले हैं उनको देखना चाहिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी जी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, 5 साल मैंने नज़दीक से देखा, कई प्रधानमंत्रियों के साथ रहा, देवेगौड़ा साहब थे, मनमोहन सिंह थे, अपने
गुजराल साहब थे, पी वी नर साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में साढ़े छः जब वो रहे पूरे टेन्योर में साथ रहा, ये पूरा डेडिकेट है देश के लिए और मतलब मजबूत है। तो इनको हर चीज़ का एक एक एमपी मायना रखता है। 1999 में जब वहाँ सरकार 13 साल के अंदर गिर गई थी, 13 महीने के अंदर, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ वहाँ फ्लोर पे टेस्ट हुआ, एक वोट से पूरी हिंदुस्तान की सरकार गिर गई। मेरा भी वोट था पर मेरा दूसरी पार्टी में था। तो एक एक मायना रखता है। और यहाँ आप जानते हो ऐसे उम्मीदवार मेरी नज़र से देखो सामने वालों से कमज़ोर समझते, बहुत कमज़ोर है वो। तो यहाँ जो फैसला हुआ है वो सरासर गलत हुआ। मैं टाइम मांगूंगा, अगर मुझे अमित शाह जी माननीय बीजेपी बहुत चुनाव चल रहे हैं उसके बाद टाइम नहीं, एक एक मिनट का मायना रखता है, पर एक 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 सीट मायने रखते हैं। खैर वक्त निकल गया तो ये तो मैं कहता हूँ डिसीजन मेकिंग वालों में। दूसरी आप बात की बात करता हूँ हनुमान की, मैं खिलाफ पर अच्छा लड़का है, काम करता, पर आज आप 15 से 25 साल के लड़कों को झोंक दिया आप लोगों ने, गाड़ियों में चला देते हैं आप, उसको गाली निकाल दो मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को माहौल बना के, ये पढ़ने का टाइम है। मैंने आज तक नहीं कहा, पर मुझे थोड़ा ऊँचे ये दर्द है। मैं उनके साथ पिछले 10 दिन वहाँ था, 10 दिन में कम से कम 8 दिन में घर मिला। मेरा बेटा 4-4 घंटे वहाँ बैठा रहा। मुझे जावड़ेकर ने सामने टेलीफोन करके पूछा कि हमें 10 दिन पहले पूछा, 10-12 दिन कि ये किसके साथ है, मेरे साथ है। पर बाद में मुझे शक लगा कुछ हो सकता मजबूरियाँ हनुमान जी की, उन्होंने उसका नाम लिया। मुझे बड़ा दर्द हुआ। यहाँ 1.5 लाख वोट मिलने हैं, समझते हैं कि सारे RLP के हैं क्या। मेरा बेटा गया, बचपना था थोड़ा, उसने देखा होगा जोश वोश में गए तो बेटा आता है, इसका मतलब कणसा भी साथ में है। और RLP की मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं सुंदर जी को लिख के दिया, मैंने गलती मानी, RLP की वजह से आज शिव गई, RLP की वजह से चौटन गई, उसकी वजह से घोड़ामाला नहीं गई, एक सीट जीती RLP शिवाड़ा में, वो भी RLP की वजह से जीते। कि RLP मेरी हमीर सिंह की नहीं बढ़ी, वो RLP को वोट दे दिए तो 9 से वोट जीत गए वो, नहीं तो वोट वो नहीं देने वाले थे वो सभी मेरे गैंग। मैंने 5 साल में मैं क्या किया, मैं जिससे चाहे जावड़ेकर साहब थे, चाहे सैनी साहब थे, चाहे अविनाश खन्ना साहब थे, चाहे वी सतीश साहब थे, चाहे मैडम थी, मैं सबसे यही सवाल पूछा है, रामलाल जी थे, मैंने कहा साहब मेरे सामने कोई मजबूत उम्मीदवार जीतने वाला हो तो मुझे बताओ, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। पर छुपा छुपे करके एन वो कोई इतने लोग रख करके एक ऐसे ऐसे आदमी को दिया जिसके बारे में मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता। आज मैं BJP के साथ हूँ और मैं बात करूँगा, ऊपर मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये आज मीटिंग मैंने नहीं बुलाई, लोगों के बहुत भ्रम था, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, हम तो वोट नहीं देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। जो 3-4 लाख आज जो मेरे सपोर्टर जो कांग्रेस से BJP में आए और उसी शख्स को आप फेंक देते हो बाहर। आज मैं वहाँ 3 बार सांसद रहा हूँ, पोकरण का और शेरगढ़। मेरे 35-40 हज़ार मेरे सपोर्टर है वो। वहाँ ऐसे इंसान को मेरे हर जगह है। मैं क्यों, मैं किसानों से लड़ा, मैं तो मुख्यमंत्री से, कोई व्यक्तिगत मेरा ना शो के लिए कोई झगड़ा। आज भी मैं भी उनकी तारीफ की, मेरी भी तारीफ की, पर जब मुद्दों में होता है राजनीति में होता है। तो इस तरह से आप फैसले कर देते हो तो दर्द होता है मेरे को। तो मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे हो गया। मैं भी बहुत बार, मैंने बहुत भगवान ने बहुत कुछ देखा मैंने, पर इनको जो आज आए हैं, मैंने अभी सबने कहा हम तो ये जितने भी आए हैं सब कांग्रेस नहीं, एक वोट नहीं देंगे इधर उधर। वो कहता मैंने नहीं रखा, आप मुझे सवाल पूछे कि साहब आपको मिल जाएगा, ये मेरी मांग नहीं है, मुझे नैम कोई में। पर लोगों ने कहा आपका, जैसे आज मनोहर सिंह जी सिर्फ उसको टिकट नहीं दी, पार्टी तक स्वाभिमान है, वो तो पिताजी एक का था। यहाँ मेरे 4 लाख आदमी जो मेरे छोड़ के आया, उनका स्वाभिमान नहीं है क्या, है कि नहीं उनका, उनकी मैं छोड़ दूँ क्या। चुनाव आते रहते हैं, धीरे से बदलते रहते, सरकारें बदल देती हैं, पर सोनाराम जिंदा है तब यहीं रहेगा और मेरे कार्यकर्ता यहीं रहेंगे। आज कुछ महीनों के बाद में पंचायत के चुनाव है, मुझे वोट लेने नहीं ले पार्टी के लिए, ये तो पार्टी का। मैं आज BJP में हूँ
और बीजेपी में आगे चलूँगा, पर इनकी जो भावना है वो भावनाओं का कदर करके आने वाले टाइम में भी आप किसानों के मुद्दे इसी तरीके से उठाते रहे। बिल्कुल, मैं तो बेदाग और किसान हैं, गरीब है, उनके लिए उठाए हैं। मैं पिछले 96 से मैं सांसद हूँ, जैसे राम निवास जी 91 में लड़े थे, मैं उस वक्त फुल कर्नल बेंगलोर में था, उस वक्त में चुप आया, आप चुपके चुपके आपको याद हो, तो मैंने किसानों के, मैं किसान का बेटा हूँ। यानी ये देश में बाड़मेर ऐसे जिले हैं, सीमांत जिले हैं, यहाँ बहुत कुछ हुआ है। जिसमें मोदी जी को मैं बात सही कर, स्कीम देखो आप, 70 साल में ये जो बिजली वाला काम नहीं हुआ था, हालांकि पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण आया था, जब 2014 में सांसद बना, करीब 35-40% यहाँ की ढाणियाँ गांव सारे के सारे अंधेरे में थे। आज उन्हें मोदी जी ने 800 करोड़ दिए बाड़मेर के लिए, 200 करोड़ जैसलमेर के लिए, करीब करीब कंप्लीट हो रहे हैं। किसने उन्हें दिए? जो प्रधानमंत्री अच्छा काम करें तो हम जरूर तारीफ करेंगे, पर टिकट जो टिकट मिली से प्रधानमंत्री को कोई मेरे ख्याल में नहीं है कि मुझे मना करें। अमित शाह जी ठीक है, फाइनल डिसीजन वो लेते हैं, ये सुबह शाम आते हैं। मुझे कहा था कि आखिर में गड़बड़ी हुई कुछ सीटों में, कुछ अमित शाह रात को आते हैं, सुबह जाते हैं, जिस सीटों में ये गोल मोल करेंगे। अब किसने किया है मुझे सब पता है, पर मैं आपको वो नहीं बता। सर, पैसों का भी लेन-देन चला? अब वो कुछ होता है, अगर कहीं हुआ है, मैं ये चीज़ वो बताने वाली नहीं होती है। अगर मेरी लीडरशिप, अगर आपके कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर नहीं होती है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? तो वो तो मैं देखता हूँ, बातचीत करूँगा कांग्रेस में जा सकते। अब वो ये जब ब्रिज आएगा ना, पुल आएगा, तो पार करेंगे, तो देखें कैसे पार। आपका कहना है कर्नल साहब, क्या पार्टी ने फैसला गलत लिया है और कांग्रेस की तुलना में भाजपा का उम्मीदवार कमजोर है? आपका अनुभव और आंकलन क्या कहता है? क्या भाजपा चुनाव की शुरुआत में हारती हुई नजर आ रही है? यही सूट नहीं, एक सीट से कोई आज 543 सीटें हैं, भाजपा हारती जितनी एक सीट से नहीं होती है। पर मैंने अफसोस होता है जब यहाँ का आंकलन देखा, तो मुझे भी लगा आज पूरा हिंदुस्तान आज कह रहा है कि बनेंगे। आज देखा जाए कोई भी है, देखो आंकलन हुआ है, मैं किसी पार्टी का सीट को लेकर आपका अनुभव क्या है? बाड़मेर का सीट में बहुत कमजोर है, सीट है बहुत कमजोर सीट है, वही है तो मैंने आप बता दिया पहले, कमजोर सीट है। पर अब देखिए कुछ होगा, हम तो आज पार्टी में हैं, हमको मैं बात करने के बाद में हम पूरी मदद करेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए कुछ। आप कह रहे हैं कि 2014 के चुनाव में वसुंधरा राजे आपको भाजपा में लाई, टिकट दिलाई, उसके बाद लगातार आप वसुंधरा राजे की तारीफ करते रहे हैं, आपको मदद मिलती रही है, आपकी साथी रही है। अब इस तरह की चर्चा है कि 2019 के चुनाव में राजस्थान में जो भी टिकट वितरण रहा है, उसमें वसुंधरा राजे का नियंत्रण नहीं रहा है, उनकी नहीं चली है, और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने स्तर पर फैसला लिया। अब ये तो देखो अंदर की बातें होती, मैं तो उस बोर्ड में हूँ नहीं, तो वहाँ वसुंधरा जी बिल्कुल आपके लिए कितनी पैरवी रही, तो उसके लिए मेरी मुझे देखो मेरे को लेके आई, टिकट दी, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब इसमें अंदर क्या हुआ, क्या खिचड़ी पकी, किसने क्या किया है, वो मुझे पता नहीं प्रोसीडिंग्स का क्या होता है। पर नेट से मैं निकल गया, वसुंधरा जी मेरे खिलाफ नहीं थी, उन्होंने जितना भी बना वसुंधरा जी मेरी मदद करने की कोशिश की। पर जी है, अब आज देखो पहले तो वसुंधरा जी होल एंड सोल थे, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, उसमें ये मेंबर है, 8-10 जने 12 मेंबर जो उस बोर्ड में तो नहीं है, पर यहाँ जो होती है कोर कमेटी वगैरह में कई चीज़ें हैं, तो उसमें कलेक्टिव फैसले होते हैं, एक इंसान से नहीं लेते हैं, कई जगह वसुंधरा जी कन्विंस करेंगे तो दिलाया, कई जगह उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, तो वहाँ कलेक्टिव डिसीजन होता है, उसमें आप ये नहीं सकते वसुंधरा जी ने मदद नहीं की या सैनी साहब ने नहीं की। पर वसुंधरा जी और सैनी साहब की मैं तारीफ करूँगा, उन्होंने मेरी पूरी कोशिश की, उसमें मेरे को नहीं है। परंतु कुछ जो हाँ जो लगे हुए बाहर के आकर के अलग राज्यों के जो दे रहे हैं, उसमें कुछ मुझे शक है। अब लेन देन हुई नहीं हुई तो मैंने देखा नहीं है, उनकी वजह से मेरी टिकट कटी है, मैं उसे ज़्यादा उसमें एनआर चौधरी का भी रोध रहा है, वो भी आप जानते हो पिछली बार भी कर रहा था, वो बड़ा उस्ताद है, कहता कुछ है करता कुछ है, एमपी बनना चाहते हो तो शराब से बनो, लोगों की सेवा करो। मैं जब फौज में था, मेरी नौकरी बाकी थी, मैं छोड़ करके आया, 2 साल सेवा की। अब एकदम से तुम IPS हो या मजे कर रहे हो, एकदम से तुम पुलिस चीफ इंजीनियर हो, नौकरी आ तो नौकरी में बैठे हो, और कल आकर के ले लो टिकट, नहीं दी, ऐसे वोट नहीं देंगे। वो वक्त चला गया कि ऊपर से पैरा छूट के तरह, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, जैसे मैंने किया, फौज में छोड़ के 2 साल घूमा, 1,00,000 मैंने गाड़ी चलाई, ये 93 की बात है, 95 मैंने किया। तो ऐसे मैं उनको आ देता हूँ, किसी इतने लोग आजकल बेवकूफ़ नहीं है कि एकदम से ऊपर से आ जाए। पहले जमाने में था, पहले जमाने में एक पंचायत में जाओ 2,000 वोट है,
तीन आदमी को पकड़ दो मुखिया ने, हाँ मैंने यहाँ कह दिया दे दो, हमें एक दो हज़ार में जाओ था है, बाप ने दिया बेटा कहेगा भैया बाप जी तूने दिया मेरा भी पूछ लेना। अब वोट देना बहुत दोहरा काम है, वो वक्त वक्त के साथ ये चीज़ें बदल गई है, उसके साथ चलना चाहिए। खन्ना साहब, आप अपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हो, आज आपके जितने आंसर सुन रहा हूँ सारे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आंसर हैं, क्या ये बदलाव वक्त के साथ हुआ या पॉलिटिकल करियर में अप्स एंड डाउन की वजह से आया? सीधा एक सवाल, आते हैं कि इंदिरा गांधी हार गई थी, इंदिरा गांधी हारी थी, बिल्कुल मोदी जी भी मेरा कोई हारे एक बार हारे नहीं यार, वो सब क्या आता है। आज मैंने वहाँ पता नहीं 20 मिनट कितने मिनट का भाषण दिया, 25 मिनट डिप्लोमेटिक क्या था, बड़ा साफ सुथरा भाषण था, उस भाषण में तो मैं बोल रहा करीब करीब चीज़ें आ गई है, वहाँ थोड़ा एलोबरेट करके बोला, यहाँ मैम हम आप कहोगे उसको गाड़ी निकालो, उसने पैसे दिए, उसे टिकट काट दी, वो नहीं मैं करूँगा, मैंने वो सामने वो सरपंच के स्टेटमेंट पे बात करूं जो काफी लिबरल और डिप्लोमेटिक आंसर्स आप जो दे रहे हैं, मैं उस पे बात करूं, आप बहुत आज के साथ आप वही कर्नल सोनाराम चौधरी हैं जो कभी अशोक गहलोत को कहते थे कि जब ये चड्डी में था तो मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता था फौज का, आज वही कर्नल अपने कल मेरी तारीफ की तो मुझे तारीफ करनी चाहिए नहीं करनी, इतना तो मैं नहीं होगा, मैं एक बार मिलने गया था मिल नहीं पाया था, जल्दी था जाना था, अरे कभी बात काम के लिए मैं एहसान से दूँ, वो मुख्यमंत्री है पार्टी क्या है, यहाँ कोई तकलीफ मैं उसे मिलने गया था, जो दीनदयाल उपाध्याय की है ना काम चल रहा है उसका, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, आज भी अध्यक्ष हूँ मैं उसका, तो ये जो नए MLA बने कई MLA गए तो वो इसने वोट नहीं दिया इसी धाड़ी में बिजली बंद दो, भाई भाई मानी पानी सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, मैंने चार साल से मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मुझे पता कौन मेरा वोटर नहीं है। अब ये तो अगर जनप्रतिनिधि छोटी हरकतें करता कोई भी हो, अभी मैं बाड़मेर में बात की, बाड़मेर में थोड़ी लड़ना चाहता था, बाड़मेर ऐसा विधायक है आप सब जानते हो, उसे शहर का सत्यानाश कर दिया, तो मैं तो मुझे समझता हूँ शहर में बुद्धिजीवी रहते हैं, पर आपके जिस तरह से वोट दिए और जिस तरह से दिया तो मुझे बड़ी शर्म आती है, भले आदमी हो तुम यार क्या यार। कर्नल साहब, आपका नेक्स्ट स्टैंड क्या रहेगा, आप पार्टी के स्टार कैंपेनर होंगे या साइलेंट किलर होंगे? यार ये वो भी ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि बहुत कमजोर उम्मीदवार हैं। कर्नल साहब स्टेटमेंट सीधा, आप साइलेंट किलर होंगे? नहीं किलर मैं गलत काम, मैंने कहा मैं छोरा पीछे से नहीं भोंकता, सामने बात करता हूँ, मैंने लंबा भाषण दे दिया, आप भाषण को सुनिए, अपने घर भी बैठ जाते हैं तो एक मैसेज दे देंगे क्या वो अगर अगर पार्टी की नहीं, वो देखो जब वक्त आएगा तब देखेंगे, मैंने बात किया है, मैं सबसे बड़ा जो मेरे लोगों ने भावना मुझे अलग से बात की, कुछ मेरे को शक्ल मिले हैं, कुछ मेरे को वो मिल रहे हैं, तो मैं उनकी जो मेरे साथ 3-4 लाख 5 साल पहले छोड़ के आए थे, मैं उनकी जो बातों का उसका निकाल सारांश दिखाऊंगा, उनकी भावनाओं को पहचानूंगा और उसके बाद मैं फैसला करूंगा, ये मेरे लिए कल 5-6 महीने के बाद चुनाव है तो मेरे लिए आएंगे तो मैं उनके लिए करके मुझे फैसला करूंगा। कर्ण साहब, आपकी एक बात हुआ साइलेंट हुआ अंग्रेजी में देते आते कर्ण साहब, आप अपनी एक बात में दो बातें कह रहे हैं, आप एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को वापस से चुनाव जिताने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाड़मेर में सीट हारती हुई नजर आ रही है, आप कह रहे हैं भाजपा के साथ रहूंगा भाजपा के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ना मैं बात करूंगा उनकी कोशिश करूंगा, पर मैं देखो मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, फिर क्या अच्छा काम, पर मैं इनकी भावना को छोड़ दूं क्या? नहीं, कल मोदी जी नहीं चाहेंगे कि यहाँ प्रमुख बीजेपी में बने, मोदी जी नहीं चाहेंगे ज्यादा प्रधानमंत्री में, नहीं चाहेंगे क्या मोदी जी, मतलब हमारे वो प्रधानमंत्री है, तो हम मुझे सारा तोलना पड़ता है, इनको भी साथ रखना नहीं रखना आपका। सही सही।